गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज वाधायूं 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 रिश्तो डॉट कॉम जे न्यू ब्रांच जो सभिनी के वाधायूं रिश्तो डॉट कॉम हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी रिश्तो डॉट कॉम सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी डेली पेज उल्हासनगर हमारी खबरें हमारी पहचान। सरिता खानचंदानी हिंदू त्योहारों का विरोध क्यों करती है? परिसर की नाराज महिलाओं का सवाल। गणपति और नवरात्रि उत्सव मनाए या नहीं? उल्हासनगर चार की महिलाओं ने सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। आखिर क्यों सरिता खानचंदानी हिंदू त्योहारों के खिलाफ है? उल्हासनगर चार विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने उल्हासनगर महानगर पालिका की एक पानी की टंकी है, जिसमें शिवसेना शाखा प्रमुख उल्लास फाल्के उनके और उनके क्षेत्र की महिलाएं कई वर्षों से गणपति नवरात्रि उत्सव और होली मनाती आ रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वकील सरिता खानचंदानी ने कथित तौर पर हमारे त्योहारों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसीलिए इन महिलाओं ने सवाल उठाया है कि हमें त्योहार मनाना चाहिए या नहीं। इन महिलाओं ने क्या कहा, अब वकील सरिता खानचंदानी ने भी इस मामले में अपनी भूमिका साफ की है। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, आइए जानते हैं। आम्ही आता 20-25 वर्षापासून गणपती उत्सव आणि नवरात्र उत्सव साजरा करतो। 1272-73-74-75 हे बॅरेक नंबर आहेत आमचे। आमचा हे एरिया एकदम सुशिक्षित आणि शांततेत आहे। आम्हाला इथून मागे कधीच काही त्रास नव्हता, पण आता इतका त्रास झालेला। ती बाई आम्हाला म्हणजे लहान पोरांना खेळू सुद्धा देत नाही। आली का सारखा व्हिडिओ शूटिंग काढते, काय काय नाटक करते, सारखे आली का तिचं हेच नाटक असते। इतक्या दिवस आम्हाला कधीच कोणाचा प्रॉब्लेम नव्हता। आमच्याकडे एवढा गरबा आहे, ते बाया खेळतात। आता आमच्या सुना आहेत, आमच्या सुना काय बाहेर जाऊ शकत नाही, आमच्या सुना एरियामध्येच राहतील। पण ती बाई आता इथे गणपतीला पण तिने नाटक केलं, आता पण ती आम्हाला हे करू देत नाही, काय देवीचा हे उत्सव साजरा करू देत नाही। म्हणजे आम्हाला आमच्या धर्माला ती आमच्या विटंबना करून राहिली, दुसरं काही नाही। कारण काय? कारण म्हणजे काय समजत नाही तिला, काय त्रास आहे आमचा। ती राहत पण नाही इथे, तिचे इथे 2-3 दुकान आहे, ते भाड्याने दिलेले, ती तिकडे राहते, इथे राहत पण नाही ती। आणि त्याच्या त्रासाला आम्ही खूप कंटाळून गेलो। सारखी पोरांना ते आली का सारखी संध्याकाळी दुपारी कोणी बसते, आम्ही येऊन बसतो इथे का, सारखं ते व्हिडिओ शूटिंग काढत राहते, काही ना काही करत राहते। परवानगी घेऊन सर्व कायदेशीर, आम्ही कायदेशीर आता परवानगी घेतलेली आहे सगळं काय। आम्ही जाऊन आलो ऑफिसमध्ये, सगळी काही परवानगी वगैरे सगळं घेतलेली आम्ही, आणि तरी पण आता ते आम्हाला मंडप बांधू देत नाही। कोण महिला कोण? ती तिचं नाव काय, तिचं नाव सरिता खानचंदानी। त्यांच्याशी बोलणं काय झालं का तुमचं? काय आम बोलायच्या भानगडीत, म्हणजे ती बोलासारखी नाहीच आहे। ती बोलत असते, ती व्हिडिओ शूटिंग करते। हा आली का फक्त ती शूटिंग करते आणि जाते। म्हणजे पोरं घाबरतात आता, हे आमचे नातू बितू सगळे लहान लहान आहेत, आणि आता काही काही पोरं आता मोठे आहेत, काहीतरी 12वीला आहेत, काही इंजिनिअरिंगला आहेत। त्या पोरांचे असं काही ना काही पुढे काहीतरी तिने केस केली, काही झाली, पोरांचा शिक्षणाचा बी परिणाम होऊ शकतो का नाही। मी शुभांगी पालवे, आम्ही रोमा अपार्टमेंट मध्ये राहतो। ऍक्च्युली इथे लास्ट 20 वर्षापासून आम्ही नवरात्र उत्सव आणि गणपती उत्सव साजरा करतोय। आम्हाला फक्त एवढीच विनंती आहे, आम्ही आयुक्तांकडे पण गेलो होतो, आयुक्तांना आम्ही रितसर पत्र दिलं आहे की आम्हाला फक्त परमिशन द्या की टाकीखाली आम्ही फक्त गरबा करू शकतो। आम्ही देवी बसवायची परमिशन, जसं गणपती आम्ही बाहेर बसवलेला गार्डनच्या बाहेर, हे जे गार्डन आहे टाकीच्या खाली, तिथे आम्ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स करत असतो। आणि आम्ही फक्त आयुक्तांना एक परमिशन मागितली आहे की आम्हाला इथे फक्त गरबा करून द्या, अगदी कमी आवाजात। आम्ही असं पण नाही म्हणत, रूल्स तोडून आम्ही काही करतोय। आणि देवी फक्त आम्ही बाहेर बसवतो, जिथे फक्त आरती वगैरे होते। आणि त्याच्या शेजारी एक मंदिर आहे, जी जागा ऍक्च्युली म्हणजे ती महानगरपालिकेची वगैरे आहे, ती त्यांची पण नाहीये मंदिराची, तर त्यानुसार पण वाद चालू आहे। एवढंच आमचं आहे की आम्हाला फक्त परमिशन द्या की आतमध्ये गरबा खेळायचा आणि बाहेर देवी बसवायची। त्या म्हणतायत की आतमध्ये ऍक्च्युली अकॉर्डिंग टू रूल्स टाकीखाली तुम्ही नाही करू शकत, असं त्यांच्या अनुसार असं आहे की टाकीखाली तुम्ही बसू नाही शकत। पण आम्ही आयुक्तांना पत्र दिलंय आणि आयुक्तांनी आम्हाला सांगितलं आहे की तुम्ही करू शकता। आयुक्तांनी पण आम्हाला सांगितलं आहे की तुम्हाला मी परमिशन देतो, माझे लोक येतील तिथे पाहणी करतील आणि त्यानुसार तुम्हाला आम्ही सगळी परमिशन देऊ।
आम्ही मिस प्रतिभा सुनील लोंढे रोमा अपार्टमेंट बारीक नंबर 1273 मध्ये मी रहिवासी आहे. 17 वर्ष झाली मला. माझ्या माहितीप्रमाणे 17 वर्ष इथे आपले एक प्रोग्राम व्यवस्थित चालू होते. पहिलं सगळ्यात पहिलं हे गार्डन होतं, पण गार्डन नव्हतं. ते खालची सगळी झोपडपट्टी होऊन पूर्ण गार्डनचा नको नको ते वापर झालेला आहे. तो आम्ही हळूहळू उल्हासच्या सहकार्याने महिलांच्या सहकार्याने सगळं बंद केलेला आहे. त्याच्यानंतर मला वाटतं 2014 पर्यंत सगळं व्यवस्थित कार्यक्रम झालेले आहेत. 2014-15 पर्यंत सगळे व्यवस्थित कार्यक्रम झाले. नंतर लॉकडाऊन पडला. त्याच्यानंतर मला वाटतं 19-20 नंतर कुठली परमिशन सरिता मॅडमला मिळाली आम्हाला माहित नाहीये. त्याच्यानुसार तिने आमचे कार्यक्रम सगळे बंद केले. बंद केले तर ती मध्ये टाकीखाली अलावण्या माझ्याकडे एक नोटीस आहे. आम्ही म्हटलं ठीक आहे, आम्ही रोडवरती कार्यक्रम करायला तयार आहे. रोडवरती पण त्यांनी असं केलेलं आहे. रोडवरती असं ऍक्च्युली तिथे म्हणजे सामाजिक ऑफिस म्हणून आम्ही स्थापन केलेलं आहे. तिथे ऍक्च्युली बाथरूम होतं, पण तिथे आम्ही सहकार्यांमध्ये मुलं बसतील, बायका बसतील म्हणून तिथे आम्ही ऑफिस तयार केलेलं, म्हणजे समाज मंदिर तयार केलेलं थोडक्यात. तिथे पण मुलांना तिने बंदी केलेली आहे. गणपतीच्या वेळी तिने सगळं ते जे शिवाजी महाराजांचे पुतळा किंवा असे बाबासाहेबांचे पुतळा वगैरे सगळं बाहेर काढून तिने लॉक मारलं. भर पावसामध्ये सगळं पावसामध्ये तिने सामान काढून दिलं, मार्गवर्णीने लॉक लावलं. दुसरी गोष्ट, आम्ही आमची जागा उपलब्ध करत होती रोडवरती काय झालं, त्यांच्या सिंधी समाजाचं मंदिर आहे, मंदिराची जागा आम्ही त्यांना देत होतो. पण त्यांनी काय केलं, जेवढी रोडची जागा आहे, आता रोडची जागा समजा 10 फूट आहे, ऍक्च्युली 4 फूट त्यांनी घेतलेला आहे. रोड मिळाला किती, 6 फूट. 6 फुटामध्ये आम्हाला फक्त 3 फूट मिळालाय. मग 3 फुटामध्ये आम्ही मतलब किती घालणार, तो सगळ्यात महत्वाचा आहे. तिने आमची जागा रिकामी करून द्या, आम्ही आमच्या हिशोबाने मंडप घालू. आणि जे राहिलं याचा मंडपचा गरब्याचा प्रश्न आणि देवी बसवण्याचा प्रश्न, तर आता पावसापाण्याचे दिवस आहे, त्यामुळे तिथे काही ऍडजस्ट होत नाहीये. म्हणून मग देवी बाहेर बसणार आहे आणि गरबांसाठी परमिशन इथे द्यावी. दुसरी गोष्ट, मुलांसाठी किंवा बायकांच्या सर्व लोकांसाठी ती नेहमी टॉर्चर करत असते सगळ्यांना. मुलांना बोलते आप इधर खेळले का नाही, इधर आने का जाने का नाही, अगर जाओगे तुम्हें फोटो निकाला है, वो फोटो निकाले मैं कभी भी मुझे जरूरत लगी तभी कोर्ट में पेश करूंगी. सरिता खानचंदनी मैडम, अगर यही केस, अब बच्चे तो मासूम है, उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन यही केस अगर उसमें डाला, अब बच्चों का नाम गया तो उनका लाइफ पूरा बर्बाद है उसमें. क्या मांगनी है आपकी? हमारी मांग है कि हमारा जो प्रोग्राम है, दूसरी बात, हमारा होली के टाइम भी हर तरफ वो वीडियो कैसेट करती है, वो डाउनलोड करती है, भेज देती है इधर. उनका जो सिंधी का कोर्ट जो रहता है लाभ, उसको कोई तकलीफ नहीं है. खाली जो हिंदू समाज के जो प्रोग्राम रहते हैं उसमें उसको तकलीफ है, और उसको वीडियो बना के वो बाहर भेजती है और सबको टॉर्चर करती है, मैं ऐसा करेगी, मैं वैसा करेगी, और बार बार यही धमकी देती है कि हमारे औरतें आके उसके मारेंगे. आता तो तिचा विचार काय होता आम्हाला माहिती नाही, पण आमच्या विचारांनी तिचं जे लालरोडी होते त्याच्यामुळे तिला काय ऑब्जेक्शन नसतं. आम्ही तिथे असतो, आबा असतात, आबांचे मिसेस असतात, सगळं व्यवस्थित होतं. 10 वाजेपर्यंत लिमिट असते, 10 वाजेपर्यंत आम्ही बसतो. तुम्हाला एक सांगतो, मंदा पुरुष म्हणजे जेंट्स लोक चालवतात, पण तुम्ही कधी बी बायका तुम्हाला मंडळा समोर बसलेल्या असतील. लोकांना आश्चर्याचा जात काय, पुरुष मंडळ चालवत, पण इथे असं नाहीये. मुलं पण असतात, जेंट्स पण असतात, सगळे असतात. बायका मुलांपेक्षा बायका जास्त तिथे उभं असतात. 3:30-4 वाजेपर्यंत महिला बसलेल्या असतात तिथं. का कुणी काय बोलू नये, कुणी काय करू नये म्हणून. मग याच्यावर बी जर ते ऑब्जेक्शन घेत असेल तर मग आम्ही करायचं काय, याला आम्हाला उत्तर द्यावं. मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये बता दूं कि मैं यहाँ जो खड़ी हूँ ये मेरे ऑफिस का है, ये हिराली फाउंडेशन की ऑफिस है मेरे एनजीओ की, और मेरे पीछे आप ये जो पंडाल देख रहे हैं ये उल्लास फलके और धनंजय बोडारे द्वारा लगाया गया है. अभी जो मेरे पे इल्ज़ाम लगता है, देखिए इल्ज़ाम लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको प्रूव करना बहुत गलत. अगर आप इस पंडाल की बात करें या उल्लास फलके की बात करें या धनंजय बोडारे साहब की बात करें, तो ये जो इनकी प्रताड़ना है, ये जो इनका कष्ट मुझे दिया गया, ये तो करीबन मुझे 10 सालों से दिया गया कि मेरा मातृत्व ही धनंजय बोडारे और उल्लास फलके की वजह से छिन गया. सेकेंड, अगर मैं आती हूँ तो आज नवरात्रि की बात है, और जब हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि यत्र नारी पूजें थे तत्र रमते देवता, तो मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, तो ये फालतूगिरी करके ना ये सब बातें कह के कि हम हिंदू हैं और हिंदू फेस्टिवल्स मनाने नहीं देते, तो पहले मैं ये कह दूँ कि एक वकील होने के नाते मुझे ये कायदा पता है कि भारत में सभी को अपने अपने धर्म को स्वेच्छा से अपने मर्जी से मनाने का अधिकार है. इसे मैं कौन होती हूँ मना करने वाली.
अब मैं आती हूँ कानूनी दायरे में। तो पी एल 173 ऑफ 2010 जिसको मैं 2015 से लड़ रही हूँ, मैं डॉक्टर महेश बेड़ेकर जी की पिटिशनर टीम से हूँ। कोई भी जनहित याचिका अकेले नहीं लड़ी जाती है। मैंने 2015 से हाईकोर्ट जा जाकर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है कि आज एक दशक हो गया है और जीना मरना बस उसी के साथ है। तो जिन लोगों ने मेरे लिए ये कंप्लेंट की, स्पेशली धनंजय बोडारे जी, उल्लास फलके और पूरी उनकी जो महिला टीम अभी निकली है इस वर्ष, तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि किसी भी अच्छे वकील को बुला लीजिए, पीएल 173 ऑफ 2010 के जजमेंट्स पढ़ लीजिए। उस जजमेंट में गणेश उत्सव, दही हंडी, नवरात्रि और सभी सार्वजनिक उत्सव लिखे हुए। बात उसमें बहुत ही स्पष्ट पंडाल लगाने की है और ध्वनि प्रदूषण नहीं करने की है। मेरे पीछे आप ये जो पंडाल देख रहे हैं, ये महानगर पालिका ने खुद 2015 में गाइडलाइंस बनाई है। वो गाइडलाइंस पे भी मुझे डाउट है। उस गाइडलाइन के हिसाब से मेरे पास करीबन 2000 से ज़्यादा पूरे शहर की कलेक्शन है, जो जो मैंने आरटीआई से जमा करी है, कि महानगर पालिका से 1/4 रोड देती है, वो भी जहाँ दे सकती है, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त फायर ब्रिगेड को जाना बहुत अनिवार्य है, इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस को जाना बहुत जरूरी। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं वो ऐसा पंडाल लगा हुआ है कि ये 50% रोड कवर्ड है और इसमें कहीं कोई इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। उसकी बहुत बड़ी बात ये जो महिलाएं आज आगे आई हैं, और महिलाओं की बात करें तो एक महिला हूँ, नवरात्रि कैसी हुई, ये कैसी दुर्गा भक्ति है कि एक मिट्टी की पीओपी की मूर्ति को पूजा करने के लिए आप जीती जागती एक महिला को आप बलि चढ़ा रहे हो। ये मेरा सीसीटीवी है, जो सीसीटीवी पूरा उल्लास फलके, धनंजय बोडारे जी और ये पूरी महिलाएं, इन्होंने मिलकर इस पंडाल से ब्लॉक कर दिया। यही बात उन्होंने गणपति में कि आपको जो वीडियो दिखाया जा रहा है कि जिसमें मैं चाकू लेके पंडाल काट रही हूँ, मैं किसी का पंडाल नहीं काट रही हूँ। पहली बार उस वक्त भी ये पंडाल इलीगल था और हर इलीगल काम मैं कर सकती हूँ। एनीवेज मैंने सिर्फ एक बम्बू काटा, जो बम्बू मेरे सीसीटीवी को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल, आप मेरे द्वारा एक ऐसा केस स्टडी हूँ कि आप कॉर्पोरेशन में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, आप ट्रैफिक पुलिस में चले जाएं, कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आप एक कॉमन मैन है। यहाँ पे नेताओं की इतनी बड़ी पुल है कि यहाँ पर पूरा गणेश उत्सव हुआ, गणेश उत्सव में सारे पीएल 173 ऑफ 2010 की धज्जियाँ उड़ा दी गई। ये पीएल 173 2010 इनके परमिशन में लिखा हुआ है, जो आप चेक कर सकते हैं। धज्जियाँ उड़ाने के बाद 15 दिन तक मेरा ये सीसीटीवी इन्होंने बंद करके रखा। मेरी सुरक्षा कहाँ, मैं आपको बता दूँ, ये महिलाएँ कहाँ थी जब अपने बर्थडे पे उल्लास फलके ने 9 दिसंबर 2022 100 लोगों को बाहर के बुला के मेरे पे अटैक करवाया, मेरे पे झूठा एट्रोसिटी करवाया, मेरा गला दबाया, मेरे पूरे प्राइवेट पार्ट्स को नोचा गया, मारा गया, मेरे साथ क्या नहीं किया गया। एक महिला के साथ जो नहीं करना चाहिए, उस वक्त ये महिलाएं कहाँ थी। मैं एक हिंदू हूँ, अभी भी मैं बार बार कहती हूँ कि आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। हिंदू हिंदू करके आप किसी की बलि नहीं चढ़ा सकते जिंदा। सिर्फ और सिर्फ ये महिलाएं जो आज आपके सामने हैं, या जो लोग हैं, कहीं ना कहीं 9 दिसंबर 2022 के दिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके बच्चे, इनके पति, इनके भाई सभी इन्वॉल्व हैं, और आज मैंने उसका भी केस लड़ रही हूँ। 22 महीने हो गए पुलिस विट्ठलवाड़ी ने मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं की। तो ये मोटा मोटी इन्होंने सच आपको नहीं बताया। सच ये है कि आज इन्होंने नवरात्रि में ये जो पंडाल लगाया, ये भी इलीगल है, ये वापस से 50% से ज़्यादा है। मेरी सीसीटीवी फिर से ब्लॉक कर दी गई है। ये नवरात्रि में महिला सुरक्षा है, ये नवरात्रि में महिला पूजा है, पीओपी को पूज के जीती जागती को मार डाला है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि आप उनके बार बार वीडियो और फोटो निकाल कर उनको मानसिक परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर करते हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मैं बार बार उनका वीडियो और फोटो निकाल के उनको मानसिक और क्षति पहुंचा रही हूँ, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप ही वो लोग हैं जो सरकारी शौचालय, जो धनंजय बोडारे साहब ने सरकारी शौचालय हड़प कर उसको शिवसेना शाखा बना दिया और आप उसमें बैठते हैं। ये वीडियो फोटो अगर मैं नहीं निकालूँ तो मैं कैसे एविडेंस दूंगी भैया। जो जलकुंभ की आप बात कर रहे हैं, ये जलकुंभ जो है ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये प्रोहिबिटेड क्षेत्र है, आपके और मेरे बाप की कमाई नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है। तो यहाँ पर अगर आप बैठे तो मैं फोटो वीडियो नहीं निकालूं, आपके घर आकर नहीं निकाल रही हूँ, मैं सरकारी प्रॉपर्टी पे निकाल रही हूँ, रोड पे निकाल रही हूँ। अगर मैं आपके घर के अंदर आऊँ, आपके पर्सनल पार्टीज में घुस जाऊँ, तो आप मेरे पे ये लांछन लगा सकते हैं, लेकिन आप हड़प की हुई सरकारी चीज को छीन कर एक इल्लीगल एक्ट करते हैं, और उस इल्लीगल का हजार नहीं लाखों फोटो वीडियो में निकालूंगी। तो अगर इतना ही आपको है तो आप केस फाइल कर दीजिए, कोर्ट विल डिसाइड हु इज राइट हु इज रॉन्ग। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि
आप बार बार उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत करती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये फिर से कहना चाहती हूँ कि ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बार बार पुलिस में शिकायत करती हूँ, भैया 22 महीने से तो शिकायत का कहीं कोई है ही नहीं। आप लोगों का झूठी एट्रोसिटी मेरे पे लग गई, आधी रात पूरी रात महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं भेजा नहीं जाता है, पूरी रात मुझे पुलिस स्टेशन में प्रताड़ना दी गई, तब आपकी सुनी गई एट्रोसिटी जो लगाई आपकी सुनी गई, मार मैंने खाई, मेरे पूरा एवरीथिंग वाज शैटर्ड, तब किसी ने नहीं सुना, तो पुलिस आपकी सुन रही है, ये ज़्यादा आप बखान न करें, अगर पुलिस मेरा सुनती तो आज ये इलीगल पंडाल न लगा होता। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पिछले 15 से 20 सालों से वो लोग उल्लासनगर महानगर पालिका से परमिशन लेकर यहाँ पर गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, सिर्फ आपकी तरफ से ही उनको परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये कह रही हूँ कि 15 सालों से तो मुझे प्रताड़ना मिल रही है, मैंने अभी कहा कि मेरा मातृत्व छीन गया, यहीं पर मुझे इतना मारा गया कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरियज हो गया, ये मैं उल्लास फलके धनंजय बोडारे को बता चुकी हूँ कि एक महिला के लिए इससे बड़ा कोई लॉस नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जलकुंभ में आप लोगों ने मुझे कभी, यहाँ मेरा क्लासेस बंद करवा दिया गया क्योंकि इसी नॉइस पोल्यूशन के चलते कि नवरात्रि है और गणपति हम भजन करेंगे, तो ये ध्वनि प्रदूषण करके जितनी प्रताड़ना मुझे मिली है वो सब मैं जानती हूँ। लास्ट उल्लास फलके और बोडारे साहब का मन नहीं भरा तो 100 बाहर के लोग मंगा के यहाँ पर मुझे मारते मारते करीबन ये 10 मीटर मुझे ले गए और उन्होंने मेरे पे झूठी है जो ये तो पूरे फेसबुक लाइव है, तो ये बोलने की बातें हैं। मैं देखिए मैं केस करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, क्रिस्टल क्लियर हूँ मैं, अगर आप लोगों के, मैं कभी किसी को आके कुछ नहीं बोलती हूँ, आप गलत करते हैं तब मैं गलत करती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप श्योरली एक्शन लीजिए। आप पर ऐसा भी इल्ज़ाम किया है कि आप हिंदू त्योहारों के खिलाफ हैं। मैं इसके मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मैं खुद हिंदू ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन एक 173 PL ऑफ 2010 ये पूरा का पूरा ऐसा विशेष जनहित याचिका है जो पूरा का पूरा सार्वजनिक उत्सव पर बेस्ड है, तो आप प्लीज़ अच्छे वकील को कंसल्ट करें, बाद में इल्ज़ाम लगाएं।